अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसे कि आपको पता है आपका भाई एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं, हर व्लॉग में भाई आपको ये मिलेगा, बोरियत हो गई होगी, बस अब कुछ और लाओ, कुछ और हर व्लॉग में। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, सबर कर लो, बहुत इनकी कश्ती बहुत आगे चलती है। अच्छा अभी हम जा रहे हैं बहरिया टाउन, सही है भाई। तो अभी हमें जाना है बहरिया, क्योंकि कुछ सामान दे रहा था बहरिया में। तो भाई अभी हम निकले हैं, आज कोचिंग सब ऑफ था, हमने कहा चलो आज ही चल लेते हैं। फिर तो अभी हम रास्ते में, ये क्या कहते हैं, रास्ते में आहिस्ता सही हो जाती है। तो सीन कुछ ये है कि खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खाया, ये बस वालों को देखो ये क्या करते हैं, खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खाया, वहाँ जाके खाना है यार। बाइक वालों को आश्रय नहीं करते, ये तो भाई का ट्रैफिक देखे ना आपकी। अभी हम आ गए हैं टूल प्लाजा भाई। तो अभी हम यहाँ रुके हैं थोड़ा सामान लेने के लिए, घर के लिए सामान वामान लेना है थोड़ा बहरिया के लिए। तो अभी हम यहाँ रुके हैं सामान लेने के लिए, सामान लेके फिर इंशाल्लाह निकलते हैं बहरिया की तरफ। और अभी हम ले रहे हैं सामान हमारी गड्डी। तो भाई हम आ चुके हैं उस्मानिया, अभी हम उतरने वाले हैं मशहूर ज़माने की दाल खाने भाई। तो अभी खाना आ चुका है, अभी हम खाना खा के निकलने वाले हैं, खाना अभी हमारा आ चुका है, अभी हम खाना खा के निकलते हैं बहरिया के लिए। तो अभी हमारा खाना शुरू हो गया है। तो भाई ये खाना खा लिया है, अभी हम निकल रहे हैं। माशाल्लाह खाना हमने खा लिया, पेट फुल हो गया, अभी हम निकलने वाले हैं बहरिया टाउन की तरफ। खाना खा के मज़ा आया आपको? बहुत टाइट मज़ा आया। आगे बहरिया के गेट, अभी हम जा रहे हैं अंदर, मतलब गाड़ी के शीशे के अंदर, मतलब वही तुम्हारा बोल रहे हो। यहाँ ले लो यार, अब उधर ही लो। V8 बंद कर दिया इसने, ओए ऐसा तो नहीं करो, बुरी बात। जब हम आ गए बैरियर गेट पे, दो ही नहीं कुछ उसने रोका क्यों खुला। अभी हम आ गए हैं बैरियर के अंदर और खाना वाना खा लिया, अब थोड़ा मस्ती करने का मूड हो रहा है। अभी हम निकल गया मस्ती करने के लिए। वो इधर आया था, वो कौन है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। भाई गाना बंद कर दो यार, कॉपीराइट मार देगा वो सिद्धू भाई। माशाल्लाह व्यू देखे, माशाल्लाह कैमरे क्या हो गया मेरे, क्यों नहीं देख रहे, सही है, चलो गलत आ गए, सही है यहाँ पे, बहुत जगह टेंशन ना लें, गलत आ गए ना, बता रहा हूँ टेंशन ना लें, मेरा पुत्र नहीं पता ना आपको कुछ यार, या टेंशन ना लें ना, पहुँच जाएंगे अभी सीधे, हाथ पे पड़ के अंदर ले लो ना। अभी आ गए हम भाई अपने प्लॉट के ऊपर, और अजान हो गई, लग नहीं रहा मगरिब हो गई मौसम से। तो हमने कहा पार्क भी देख लें भाई, क्या सीन चल रहा है पार्क में, हम किसी और से मतलब जन्नत के साथ लाइट। तो ये सीन है यहाँ पे। ओए वो कौन है, ओए वो कौन है, वो एक बंदा टहल रहा है, लाल लाइट कौन सी हो, ओ बोल दे कमरा है, ओए ये कमरा है, कमरा हटना, ओए नहीं करनी तो ठीक है, सुन लेते हैं सारे घर बने हुए यहाँ पे, मतलब
माहौल तो यहाँ का बहुत कोई अच्छा सा ही देखा, सुकून चेक करो यार, सुकून मतलब तफरी माहौल है बिल्कुल यार, सुकून यार। लेकिन लोग यहाँ पे मतलब खराब, शहर वाला मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल सुकून की जगह है, बिल्कुल तमीज़ से, ना कचरा ना मिट्टी ना धूल ना कुछ। भाई यहाँ पे अभी हम आगे आए हैं, भटक गए, फिलहाल भटके तो नहीं है, मुड़ के वापस जा सकते हैं, लेकिन हमने कहा चलो भटक जाते हैं समथिंग, तो अब नहीं जाना, अब नहीं जाना, लिखा हुआ कहाँ, क्या लिखा हुआ क्लब हाउस क्रिकेट स्टेडियम बैरियर डांसिंग डांसिंग फाउंटेन सीधा पे गोल्फ क्लब कुछ भी नहीं है यार अपन थी उतर के लोग ना उतर के लोग ना वो देख मोटर वे का निशान यार कुछ भी नहीं है यहां पे तो मतलब बिल्कुल ही कोई सन्नाटिया हो रहा है बिल्कुल सन्नाटिया ओबे भाई तेरा मोबाइल नहीं ओबे यार हां सुपर हाईवे पे बाहर निकलने का इधर से रास्ता शांति सीधा नहीं नहीं यहां पे इधर से नहीं वहीं से चलेंगे यार वहां से ज्यादा सही है किधर से आगे से ना फ्रंट से देखिए कितना सन्नाटा हर जगह बिल्कुल सन्नाटा वाला भाई सन्नाटा तो ये पता भी नहीं अगर कोई नजर आया वो पुल उधर है हाँ वो पुल जो है ना वो उस तरफ है तो अभी हम आए हैं इस पुल के ऊपर और थोड़ा सा उतर के थोड़ा मज़ा लेंगे यहाँ का इस पे रुका है गाड़ी कौन सी डंपर डंपर तो अभी हम यहाँ पे रुके बिल्कुल सन्नाटा हो रहा भाई हम आ गए ही हैं भाई साहब बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है हम रुके भाई नमाज के लिए यहीं रखा होगा नमाज के लिए रुके हैं अभी हम मतलब मस्जिद माशाल्लाह आप देखें ये पार्किंग है और अभी हम रुके हैं नमाज पढ़ने के लिए और फिर चलें हम अंदर आपको जाके दिखाते हैं अभी हम जा रहे हैं वज़ू करने और वज़ू करके हम वज़ू करके हम चलते हैं अंदर अभी हम जा रहे हैं वज़ू करने तो भाई मस्जिद में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मस्जिद का पूरा ओवरव्यू दिखाना तो आप मस्जिद देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी है मस्जिद के अंदर बोलना मना है तो इस वजह से मैं बोल नहीं पाया मस्जिद में तो ये अलग से मैंने वॉइस ऐड कर दी है इसके अंदर कि आप देखें मस्जिद माशाल्लाह फुल मेंटेन बनी वेल मेंटेन मस्जिद है माशाल्लाह देखें आप चेक करें ये मस्जिद है बाहर से माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनी हुई है तकरीबन सारी मस्जिदें इनकी ऐसी बनी हुई हैं इससे भी अच्छी हैं लेकिन ये फिर भी आपको दिखाऊँ इधर हमने आज नमाज़ पढ़ी है बहुत माशाल्लाह बेहतरीन मस्जिद है बहुत तो भाई अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम यहाँ से ये और नमाज़ पढ़ ली अभी तो ये पार्किंग एरिया है कि गुम हो जाता है बंदा जब भी घर की तरफ निकल जाए तो हमारे हसन भाई बोल रहे थे कि मस्जिद में वीडियो नहीं बनाओ तो मैंने मस्जिद में वीडियो बनाई लेकिन मैंने बोला नहीं अब मैं उसके साथ वॉइस ऐड कर दूंगा तो मैंने बोला नहीं क्योंकि मस्जिद में बोलना ज़्यादा बात है माना है सही बात है तो मैंने बोला नहीं सिर्फ मैंने वीडियोज़ बना ली उसकी कि मैं आपको भी दिखा सकूँ कि आप भी तो देखें कि कितनी अच्छी मस्जिद है तो चलते हैं अभी हम निकल रहे हैं भैरिया से बाहर घर की तरफ कट लेके घर की तरफ ये लेकर कराची हैदराबाद अब आ गए हम भाई बाहर भैरिया से बाहर निकल रहे हैं अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ भाई अभी हम आ गए हैं मोटरवे पे और ये खड़े हुए हैं मोटरवे पे तो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप अपना ख्याल रखें जब तक फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ओके अल्लाह हाफिज़
चाचा, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।